है ना, तो शायद वो अब नहीं है, सीबीएसई में तो नहीं है ना, जेई में देखना पड़ेगा। वैसे भी वो एडवांस में कभी भी नहीं था, पहले भी जब ये टॉपिक मेंस में था भी तो एडवांस में ये ह्यूमन आई और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप इसके क्वेश्चंस नहीं आते थे, या सिलेबस में उसके है नहीं। आप ध्यान रखना हमेशा, आप हमेशा जहाँ पे पढ़ते हो ना, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो है ना, उसके पास में एक नोटिस बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, आप सिलेबस लगा लो, कि जहां पे भी नोटिस बोर्ड है उसमें सिलेबस होना चाहिए। सबसे पहला सिलेबस आपका हो जाएगा जेई मेंस का और जेई एडवांस्ड का, और जैसे जैसे आप करते जाते हो उसको आप क्रॉस करते जाओ, ऐसे हाईलाइट करते जाओ कि ये चीज मेरा हो चुका है। तो आप देखोगे ना दोनों के सिलेबस थोड़े से अलग है, बहुत सारी चीजें जो है वो जेई एडवांस में कम सिलेबस होता है। एडवांस में कभी भी ऐसी चीज नहीं पूछते हैं बहुत, जिसको बहुत ज्यादा डीप में आप नहीं पढ़ पाओ, लाइक सेमी कंडक्टर्स एडवांस में नहीं है, मेन्स में है ना, क्योंकि सेमी कंडक्टर में दो तीन क्लास में हम पूरा डीप में थोड़ी पढ़ पाएंगे, उसके ऊपर तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है ना, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो 4 साल बच्चे पढ़ते हैं है ना, तब भी एक्सपर्टीज नहीं होता है। उससे आप एक्सपेक्ट करोगे कि बच्चा 12 क्लास में 3 4 क्लास में एक्सपर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो फिर वो जे एडवांस में नहीं होता है, वो जे एडवांस में वही चीज़ होती है जिसको हम एक्सपर्ट लेवल पर पढ़ पाए, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी कैन स्टडी अप टू द एक्सपर्ट लेवल है ना, मैकेनिक्स हम एक्सपर्ट लेवल पर पढ़ सकते हैं है ना, मेंस में एक्सपर्ट लेवल ना भी हो आपको एक पार्शियल उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो उससे उसका काम चल जाता है ना। तो सिलेबस सबसे पहले आप ध्यान देना कि क्या सिलेबस में है, और कभी भी कोई चीज़ अगर मिस होती है तो मुझे आप रिमाइंड करवाओ पर्सनल मैसेज करके, सभी अभी ये नहीं हुआ है। हालांकि मैं तो पूरा पढ़ाता हूँ एक एक छोटी छोटी चीज़ भी, फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ अभी नहीं हुई है तो मुझे रिमाइंड करवाना, तो मैं पढ़ा दूंगा उसे, है ना, मेरे लिए तो आसान से काम है। चलो तो आज हम थिन लेंस पढ़ते हैं, तो थिन लेंस में आज का जो टॉपिक है ना, ये हम यहाँ पे लेंस के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कि वी कैन टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कि भाई बहुत सारे थिन लेंस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में, है ना, कि भाई हम बात करेंगे बेसिकली आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में। तो जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, इसमें जस्ट आपको होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेंस को आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपको कंबाइन हो करना होता है, कि बहुत सारे लेंस जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो सिंपल सा आपने क्या किया, इस तरह से बहुत सारे लेंस आपने कंबाइन कर लिए, कि एक आपका कोई लेंस यहाँ पे था, इससे किसी भी नेचर का कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है, इससे आपने कोई प्लेन लेंस कंबाइन कर दिया ऐसे, और इनके बीच में कोई गैप नहीं है, वन बाई वन रखे हुए है ना, और ये दिया हुआ है कि पहले लेंस का फोकल लेंथ अगर F1 है, और दूसरे लेंस का अगर फोकल लेंथ F2 है, और तीसरे लेंथ का फोकल लेंथ अगर FT है, और ये जो सारे फोकल लेंथ हैं F1 F2 एंड F3, ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड मीडियम, आउटसाइड मीडियम, कि जो भी आपके आउटसाइड मीडियम है, अगर एयर है तो एयर के रिस्पेक्ट में है। तो इसी में आपको बनाना होता है कि भाई अगर वैसे बहुत सारे लेंस में अगर से रख दूं वन बाई वन अप टू FN तक है ना, तो इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा, इसको अगर हम एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करना चाहें तो उसका इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे कंसेप्ट आ गया बेसिकली आपके इफेक्टिव फोकल लेंथ का, है ना, कि इसका बेसिकली आपका इफेक्टिव फोकल लेंथ बेसिकली आपका क्या होगा, ये आपको निकालना होता है ना। तो ध्यान रखना, इफेक्टिव फोकल लेंथ जानने से पहले ना थोड़ा सा हम पावर ऑफ ए लेंस के बारे में बात करते हैं, कि भाई लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है, पावर ऑफ ए लेंस, कि अगर कोई भी लेंस होगा तो इसके पावर के कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो जो पावर ऑफ ए लेंस होता है, जब भी हम इसको डिफाइन करेंगे, तो पावर ऑफ ए लेंस होता है एबिलिटी ऑफ ए लेंस, एबिलिटी ऑफ ए लेंस, है ना, टू डेविएट लाइट, टू डेविएट लाइट, भाई लेंस की वो एबिलिटी जिससे कि वो लाइट को बेसिकली आपके डेविएट कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका पावर एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू डेविएट द लाइट, कि भाई जितना ज्यादा वो लाइट को डेविएट करेगा उसका पावर उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी लेंस ले लूँ ऐसे, कि ये आपका कोई कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है ना, कि इस तरह से आपका कोई कॉन्वेक्स लेंस है, तो इससे कोई भी रे होगी, इसका पर्पज रे को डेविएट करना ही तो होता है, कि कहीं से भी इस तरह से रे आई ऐसे ही, है ना, इसने इसको डेविएट कर दिया, डेविएट करके कन्वर्स कर दिया, तो
जो एंगल ऑफ डिविजन होगा वो जस्ट आपका ये हो जाएगा, किस तरह से रे आ रही है ऐसे चली गई और ये इसका फोकस हो गया। अब फोकस का मतलब सिंपल सा सेकंड फोकस, तो इसने कुछ एंगल ऑफ डिविजन जो इसको डेविएट किया वो डेल्टा से कर दिया। तो जितना ज्यादा एंगल से डेविएट करेगा इसका पावर उतना ही ज्यादा होता है। तो आप देखो पावर और फोकल लेंथ में इनवर्स का रिलेशन आ गया ना, कि अगर ये चीज मैं फोकल लेंथ एफ ले लूं तो अगर ज्यादा डेविएट करेगा ज्यादा एंगल से तो उसका फोकल लेंथ कम होगा, और कम डेविएट करेगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा। तो जो पावर ऑफ ए लेंस होता है ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, है ना, कि पावर ऑफ ए लेंस जो होता है वो क्या होता है, इसलिए आपका फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ये हमेशा होता है ऐसे कि पावर ऑफ ए लेंस जो होता है फोकल लेंथ का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कि फोकल लेंथ अगर ज्यादा होगा तो पावर कम होगी, अगर फोकल लेंथ कम होगा तो ज्यादा पावर होगी, मैंने उससे ज्यादा डेविएट कर दिया है। और यहाँ पे पावर की यूनिट आ जाती है कि अगर आप फोकल लेंथ मीटर में लिख लें, है ना, कि यहाँ पे अगर फोकल लेंथ जो है अगर हम मीटर में ले लें, है ना, तो जो पावर होती है फोकल लेंथ अगर हम मीटर में ले लें तो जो पावर होती है उसकी यूनिट आपके डायप्टर होती है ना, कि पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, इसलिए आपके डायप्टर हो जाएगी, है ना। तो नाम इसमें कि अगर फोकल लेंथ मीटर में हो तो पावर की यूनिट क्या होती है, इसलिए आपके डायप्टर होती है। तो जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है ना, इसके पहले हम इफेक्टिव पावर निकालते हैं कि बहुत सारे लेंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो इसका इफेक्टिव पावर क्या होगा, कि अगर ये सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो व्हाट इज द इफेक्टिव पावर। तो इसका जो इफेक्टिव पावर होगा सिंपल सम हो जाता है, कि जो इसका इफेक्टिव पावर P होगा सिंपल से इंडिविजुअल पावर का सम हो जाएगा P3 अप टू PN तक, है ना, कि भाई सिंपल से अगर इसका पावर P1 है, दूसरे का पावर P2 है, P3 है, अप टू PN तक है, तो सिंपल सम हो जाता है। बस साइन का ध्यान रखना कि अगर कोई कन्वर्जिंग है तो उसका पावर पॉजिटिव होगा क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, अगर डाइवर्जिंग है तो उसका पावर निगेटिव होगा तो फोकल लेंथ भी निगेटिव हो जाएगी, है ना। तो पावर का साइन यहाँ पे पुट करते जाते हैं, तो ये इफेक्टिव पावर आ गया, है ना। और एक बार इफेक्टिव पावर आ गया तो पावर से फोकल लेंथ आ जाएगा ना, क्योंकि रेसिप्रोकली तो होता है, तो इससे हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। ये जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा 1/F, ये सिंपल सा आपका ये हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 अप टू 1/FN तक, साइन के साथ पुट करेंगे कि कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। तो जस्ट ये इफेक्टिव फोकल लेंथ हो गया, है ना। बस एक चीज ध्यान रखना कि इसमें जो है ना गैप नहीं होना चाहिए, कि जस्ट 1/1 बहुत सारे रखे हुए, बीच में कोई गैप नहीं है थिन लेंसेज के बीच में, है ना। अगर गैप होगा तो फिर तो सिंपल आपकी बेसिक थ्योरी से होगा कि पहले की इमेज दूसरे के लिए कैसे वर्क करेगी एज ए ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर 1/1 रखा हुआ है तो इफेक्टिव पावर एंड इफेक्टिव फोकल लेंथ हम लिख सकते हैं। और मैंने अब आज से मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। कोई भी आपको चैप्टर चाहिए होगा ना, वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सर्च कर लेना, उसमें से आपको चैप्टर वाइज सब चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका बना लूँगा, तो कोई भी मिस किया होगा तो उसको करते रहना, है ना, तो हम कर सकते हैं ऐसे। हाँ, तो आपका आगे इफेक्टिव फोकल लेंथ एंड इफेक्टिव पावर, है ना। इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या हो गया, बेसिकली आपका इफेक्टिव पावर। इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी, इफेक्टिव फोकल लेंथ के बाद वी टॉक अबाउट द सिल्वरिंग ऑफ ए लेंस, कि भाई लेंस की सिल्वरिंग का कंसेप्ट क्या होता है। जो नेक्स्ट चीज हम इसे पढ़ते हैं, वी स्टडी द सिल्वरिंग ऑफ ए लेंस, कि लेंस की सिल्वरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, कि सिल्वरिंग ऑफ ए लेंस, कि अगर कोई भी लेंस है इसकी सिल्वरिंग का कंसेप्ट क्या होता है। सिल्वरिंग का मतलब यह है कि कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, प्लेनो कॉन्वेक्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इस तरह से लेंस है कि जस्ट आपने यहाँ पे कोई कॉन्वेक्स लेंस ले लिया ऐसे, और इसके एक साइड पे आपने पॉलिश कर दिया, इसके एक साइड पे आपने क्या कर दिया, इसलिए आपका पॉलिश कर दिया, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ ए लेंस। तो जब आप सिल्वरिंग ऑफ ए लेंस हो जाएगा ना, तो जो सिस्टम होगा एज ए मिरर बिहेव करेगा, है ना, कि इस केस में जो सिस्टम होगा, सिस्टम इज बिहेव एज ए मिरर, बिहेव एज मिरर,
है ना, कि जो पूरा का पूरा सिस्टम होगा ये कैसे बिहेव करने लगेगा एज ए मिरर, है ना, क्योंकि आपको पता है एज ए मिरर इसलिए बिहेव करेगा क्योंकि अगर यहां से मैं कोई रे डायग्राम इस तरह से प्लॉट कर लूं कि कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट से कोई रे इस तरह से स्टार्ट हो रही है तो पहले जब एयर से ग्लास में जाएगी तो ये बैंड होगी, फिर जब ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी और फिर जब ग्लास से एयर जाएगी तो फिर से बैंड होगी, तो अल्टीमेटली रे वापस ही तो आ गई रिफ्लेक्ट होके, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को ही ले लेते हैं इस तरह से, तो ऑब्जेक्ट से आपकी इस तरह से रे गई, लेंस के अंदर गई, रिफ्लेक्ट हुई, बाहर आ गई, तो यहाँ पे इसका इमेज बन गया। तो जस्ट एज ए मिरर ही तो इमेज बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर यू है ना, और इमेज डिस्टेंस अगर वी है, तो यू एंड वी में जो रिलेशन होगा वो जस्ट मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करोगे वो कौन सा मिरर फॉर्मूला यूज करोगे, मिरर फॉर्मूला, है ना। और मिरर फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप ये यूज कर लोगे कि 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि सिस्टम बिहेव जो करेगा एज ए मिरर, उसका फोकल लेंथ आपको निकालना चाहिए। बिहेव एज ए मिरर ऑफ फोकल लेंथ, है ना, एफ, फोकल लेंथ एफ, है ना। और ये फोकल लेंथ आप कैसे निकालें कि भाई जिस मिरर की तरह बिहेव कर रहा है उसका फोकल लेंथ एफ कितना होगा, तो उसके लिए जस्ट ये फॉर्मूला है ना। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, अदरवाइज मैं करवा देता आपको, है ना। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सही होता है कि 1 बाई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 2 बाई एफ एल माइनस 1 बाई एफ एम। यहां भी साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है कि जब भी एफ एल और एफ एम की वैल्यू पुट करोगे वो आपका हो जाएगा, इसलिए आपका साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है। अब इसमें एफ एल एंड एफ एम जानना होगा आपको क्या होता है, कि जो एफ एल होगा इसमें ये फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, है ना, गिवन बाय लेंस मेकर फॉर्मूला, गिवन बाय लेंस मेकर फॉर्मूला जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके जो फोकल लेंथ आएगा वो एफ एल हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका एफ एम हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा, दैट इज योर फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, है ना। और आपको पता है मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो तो फिक्स होता है, मिरर का फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, है ना। तो लेंस का फोकल लेंथ तो निकालना पड़ेगा आपको, मतलब ये पूरी जो चीज होगी ना इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करके सोच रहे हैं, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा एक्चुअली में ये चीज होगी। इस तरह से अगर किसी मिरर की मैं सिल्वरिंग कर दूं तो इसका जो पूरा का पूरा कंसेप्ट होगा वो इस तरह से हो जाएगा। ये आ गया एक, और यहाँ पे आपका एक कर्व आ गया, कि मतलब एक लेंस एंड मिरर का कॉम्बिनेशन आ गया। अगर मैं इसको सिल्वरिंग कर दूं एक एंड को, तो एक्चुअली इसमें एक आपका लेंस हो जाएगा प्लस आपका एक मिरर हो जाएगा, है ना। तो लेंस का फोकल लेंथ आपका एफ एल है, मिरर का फोकल लेंथ अगर एफ एम है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि सिस्टम जिस मिरर की तरह बिहेव करेगा उसका फोकल लेंथ आप यहां से आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए यहां पे टू आ गया है, है ना, कि दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए लेंस के ऊपर में टू आ गया है, बाकी चीजें तो यहाँ पे सेम ही है, और इसमें भी साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे, है ना। तो कैसे फोकल लेंथ निकालते हैं आप थोड़ा ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे ये आपका सपोज कोई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, पहले आपको शो करना पड़ेगा कि लेंस का नेचर कैसा है, कि ये आपका है इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, है ना। तो अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है और बाहर में एयर ले लेते हैं हम ऐसे, और लेंस जिस मीडियम का बना हुआ उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है, तो कल आपने पढ़ा था कि अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसका जो फोकल लेंथ एफ एल होगा उसकी वैल्यू आर के इक्वल होती है, या फॉर्मूला से निकाल लोगे। वैसे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस अगर जब होता है और 1.5 और एयर होती है तो फोकल लेंथ की वैल्यू आर होती है, और मिरर का फोकल लेंथ तो आपको पता ही है कि मिरर का फोकल लेंथ आर बाय टू हो जाएगा लेकिन निगेटिव होगा, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, तो ये एफ एम इक्वल टू माइनस आर बाय टू हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जिस ये कॉम्बिनेशन जिस मिरर की तरह वर्क करेगा उसको आप फोकल लेंथ में इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ कि 1 बाई एफ की वैल्यू आ गई बेसिकली आपकी माइनस 2
2 by r माइनस ऑफ माइनस आर बाई टू, ये आपका गैप है ना। तो यहां से फोकल लेंथ की वैल्यू आपकी आ जाएगी, फोकल लेंथ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका माइनस आर बाई फोर हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसके लिए आपका माइनस आर बाई फोर, मतलब ये एज ए कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा जिसका फोकल लेंथ आर बाई फोर होगा। अब इस फोकल लेंथ को यहां पुट करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर यू पता है वी निकालना है तो बस फोकल लेंथ इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा और उसको हम यहां पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सिल्वरिंग ऑफ ए लेंस का, कि लेंस को जब भी हम सिल्वरिंग करेंगे तो इस कंसेप्ट से सारी चीजें डिफाइन करेंगे। दिस इज नोन एज अ सिल्वरिंग ऑफ ए लेंस, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिल्वरिंग ऑफ लेंस होता है ना। तो ये थोड़ा सा लेंस में कुछ टॉपिक थे, सब टॉपिक्स जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए। हाँ, लेंस का नेचर मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है ना। लेकिन लेंस के नेचर कुछ भी हो, मतलब कॉम्बिनेशन तो ऐसे मिरर ही बिहेव करेगा है ना, कि कॉम्बिनेशन जो होगा वो तो फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ ही जाएगा, जो भी चीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका इस तरह से। हाँ, ये भी सही है कि अगर लेंस का कुछ नेचर अलग हो जाएगा तो हो सकता है कि ये कॉन्केव की बजाय कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करने लगी, वो तो इस फोकल लेंस से जो भी साइन आता है। जैसे मुझे कैसे पता कि ये कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो मैं इसको एज ए कॉन्वेक्स मिरर ले लेता है ना, वो तो लेंस मेकर फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। घनक ने ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बुक्स में इस फॉर्मूले का थोड़ा सा रॉन्ग वर्जन दिया होता है, उस रॉन्ग वर्जन को नहीं पढ़ना, इसी वर्जन से सॉल्व करना है ना। अब इसमें भी साइन कन्वेंशन यूज करना है, देखो मैंने यूज किया है यहाँ पे, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है, तो आंसर भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आएगा। जो इक्विवेलेंट मिरर होगा उसके नेचर आंसर से आपको पता चलेगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका। चलो इसके बाद एक और चीज है, एक्सपेरिमेंटली आपको एक चीज जाननी होती है, वन मेथड दैट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना। यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज हम इसमें पढ़ते हैं, वी स्टडी डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना। डिस्प्लेसमेंट मेथड भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो अगर नॉलेज नहीं हो तो उसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है, अगर नॉलेज हो गया तो फटाफट सॉल्व कर लोगे वैसे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड की हम डिस्कस करते हैं चीजों। अच्छा, आर बाई सिक्स होगा क्या ये आंसर कितना आएगा बेटा? नहीं, आर बाई सिक्स कैसे होगा, आर बाई फोर ही तो होगा, ये टू है ना भाई, आर बाई टू है ना, ये आर बाई टू ही तो होगा। जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फोर बाई आर हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके आर बाई फोर हो जाएगा, सही तो है ना भाई, टू ही तो है, आर बाई फोर ही होगा, है ना। वो तो नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आएगा, जस्ट मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, राइट। अब हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट मेथड। जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करते हैं वो डिस्कस डिस्प्लेसमेंट मेथड, वो डिस्कस कर लेते हैं।
डिस्प्लेसमेंट मेथड। है ना, तो देखो डिस्प्लेसमेंट मेथड का पर्पस जो होता है, इससे हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली। डिस्प्लेसमेंट मेथड तब यूज होता है टू फाइंड आउट फोकल लेंथ, है ना, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, है ना, एक्सपेरिमेंटली। है ना, कि कॉन्वेक्स लेंस की जब भी आप फोकल लेंथ निकालते हो एक्सपेरिमेंटली, तो उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं। वी यूज द डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट मेथड हम इसमें यूज करेंगे, है ना, वो आपका इस तरह से देख लोगे आप इसमें, कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में एक्सपेरिमेंटली आपको निकालना है। जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला से तो हम निकाल सकते हैं नहीं, कई बार आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी लेंस का नहीं पता है। जैसे आप गए ना कि भाई अपने जो स्पेक्टिकल्स होते हैं या ग्लासेस होते हैं उसको दे दिया कि बताओ इसमें क्या नंबर है, तो आपको थोड़ी पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह क्या है। वो तो देख के बता देते हैं इतना नंबर है इसका, या इतना इसका फोकल लेंथ या पावर है। वो नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक आपका कोई ऑप्टिकल बेंच है, जिसपे ऑप्टिकल बेंच में हम आपके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे स्क्रीन है जिसपे आप इमेज ऑप्टेन करोगे, और एक कोई आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हो। इस जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया। ऐसे डिस्प्लेसमेंट मेथड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो आपका ऐसा होगा, है ना। ये आपकी स्क्रीन होगी जिसपे कि हम इमेज ऑप्टेन करेंगे, क्योंकि अगर रियल इमेज बन रही है तो स्क्रीन पे उसको हम ऑप्टेन कर सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट फिक्स होगा, स्क्रीन फिक्स होगा, और दोनों के बीच के डिस्टेंस हम फिक्स कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, है ना। बीच में जो लेंस होता है इसको आप मूव कर सकते हो, बीच में लेंस की जो होता है उसको हम स्लाइड कर सकते हैं। कि आपने कोई कॉन्वेक्स लेंस ले लिया जिसकी की फोकल लेंथ मुझे निकालनी है, तो इसको हम मूव कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, है ना। और हम इसको मूव करते हैं, और तब तक मूव करते हैं जब तक कि रियल इमेज नहीं ऑप्टेन होगी, है ना। कि हम बोलते हैं कि बेसिकली इसको तब तक मूव करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो फिक्स है, स्क्रीन भी फिक्स है, इसको मूव करके तब तक मूव करते हैं जब तक कि स्क्रीन पे रियल इमेज नहीं फॉर्म होगी। तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं आप कैलकुलेशन वाला, कि इफ रियल इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन, कि भाई स्क्रीन पे अगर आपका कोई रियल इमेज बनता है, इफ रियल इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन, तो ऑब्वियस बात है कि रियल इमेज जब भी बनेगा तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू ले लोगे आप, तो जो इमेज की डिस्टेंस वी होगी ये आपकी डी माइनस यू हो जाएगी। हाँ, कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर यू है तो इमेज डिस्टेंस वी क्या हो जाएगी, डी माइनस यू। और रियल इमेज अगर बन रहा है तो आप यहाँ पे मिरर फॉर्मूला, रिलायंस फॉर्मूला यूज कर लो, कि वन बाई वी, वी की वैल्यू आपकी डी माइनस यू होगी, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका माइनस यू होगी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इफ रियल इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन तो यू की वैल्यू क्या होगी, यू की किस वैल्यू के लिए स्क्रीन पे रियल इमेज फॉर्म होगी। तो आप इस बात है यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर आपका ऐसा आ जाएगा कि डी स्क्वायर माइनस डी यू, है ना, प्लस आपका, है ना, यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी यू स्क्वायर आ जाएगा, है ना, भाई यू स्क्वायर माइनस डी यू, है ना, प्लस डी एफ इक्वल टू जीरो आ जाएगा आपका इस तरह से, है ना। यहाँ पे आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, है ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, तो जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इससे यू की वैल्यू आ जाएगी ना, तो यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी ये आ जाएगी, ये आपका आ गया डी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस फोर डी एफ बाई टू आ जाएगा, है ना। किसको जब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक तो यू की वैल्यू ये आ जाएगी, मतलब यहां से अब आपको फर्दर करना है कि जैसे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो ये चीज आ गई, तो अब यहां से चीजें आ जाएंगी कि अगर किसी केस में ऐसा हो जाए कि जो d की वैल्यू है इफ इट इज लेस देन 4f, है ना, तो उसके रूट्स नहीं इमेजिनरी हो जाएंगे ना, तो अगर रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे तो मतलब रियल इमेज फॉर्म होगी ही नहीं, है ना, कि भाई नो पोजीशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल फॉर रियल इमेज,
रियल इमेज कि आपने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, और अगर ये आ गया तो अगर डी की वैल्यू 4f से ज्यादा होगी तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो रूट्स इमेजिनरी हो गई, तो मतलब इस केस में रियल इमेज बनेगी नहीं बनेगी। हाँ, अगर किसी केस में डी की वैल्यू अगर 4f के इक्वल आ गई तो यू की वैल्यू जो होगी वो डिवाइड टू आ जाएगी, मतलब एक ही पोजिशन होगी, है ना, ओनली वन पोजिशन पॉसिबल, भाई इसमें रियल इमेज के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन पॉसिबल है। तो यूजली क्या होता है, जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, तो हम दो इमेज लाना चाहते हैं, तो डी की वैल्यू हम 4f से ज्यादा ही लेते हैं। तो यूजली केस में आप डी की वैल्यू क्या लोगे, ग्रेटर देन 4f में लोगे। तो यू की दो वैल्यू होगी जिसके के लिए रियल इमेज बनेगा, तो एक वैल्यू तो आप यू वन ले लो, तो यू वन की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली आपके डी माइनस ये डी स्क्वायर माइनस 4df भाई आपका 2 आ गया, और एक आपका यू टू हो जाएगा। यू टू की वैल्यू आपकी हो जाएगी डी प्लस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस 4df बाई 2 आ गया। तो मतलब ये केस तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया, ये भी केस हम नहीं लेते हैं, हम तो हमेशा ये रखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो यू वन यू टू की दो वैल्यू आ गई, तो मतलब एक पोजिशन अगर यू वन है जिस पर रियल इमेज बन रही है वी वन की, तो एक और पोजिशन डिस्प्लेस होकर आ जाएगी, एक इसकी सेकेंडरी पोजीशन भी होगी, वहां पे भी आपका रियल इमेज फॉर्म होगा, है ना, ये आपकी सेकेंडरी पोजीशन भी हो जाएगी। इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं कि अब इसकी जो डिस्टेंस होगी आप यू टू ले लो, इस केस में ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस ज्यादा है ना यू टू, और जो इमेज डिस्टेंस वी टू होगा वो आपका डी माइनस यू टू हो जाएगा। और ये कितना आपने डिस्प्लेस किया वो एक्स याद रखते हैं, ये तो ऑप्टिकल बेंच में हम मेजर कर लेंगे ना कि भाई इस पोजीशन से इस पोजीशन में ले गए तो यहाँ पे भी रियल इमेज फॉर्म हो रहा था, फिर से रियल इमेज फॉर्म हो गया, तो ऑप्टिकल बेंच में वो एक्स निकाल लेंगे। अगर आप वो एक्स निकाल लोगे तो आपका फोकल लेंथ एक्सपेरिमेंटली आ जाएगा, क्योंकि आप देखो एक्स आपका जो आ जाएगा वो यू टू माइनस यू वन ही तो हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी यू टू माइनस यू वन, तो जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी डी स्क्वायर, है ना, कि भाई माइनस 4df यहाँ माइनस साइन दिया बीच में डी स्क्वायर माइनस 4df, है ना, कि x की वैल्यू अगर माइनस करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 4df आ जाएगा। तो यहां से आपका फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया कि फोकल लेंथ की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d, ये पहला फॉर्मूला आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में अगर फॉर्मूला याद रहे तो उससे बड़ी आसानी होती है, क्योंकि इतनी सारी चीजें ना आप क्वेश्चन के टाइम में सोच नहीं पाओगे, तो इसलिए हम फॉर्मूला याद रखते हैं कि भाई फोकल लेंथ का डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये फॉर्मूला होता है, है ना। तो अगर आपको डी तो पता ही है कि कितना सेपरेशन रखा था आपने, है ना, और अगर ये पता है कि एक बार रियल इमेज फॉर्म हुई है कितने डिस्प्लेस करने के बाद फिर से रियल इमेज फॉर्म होंगे, अगर वो एक्स डिस्टेंस पता है तो यहाँ पुट कर देंगे, तो फोकल लेंथ की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आ जाएगी कि जो भी हम लेंस यूज कर रहे हैं उसका फोकल लेंथ जो होगा वो ऑब्वियसली आपका ही होगा, है ना। तो ये इसका पर्पज होता है। है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। व्हाट इज एक्स, एक्स वो है जिससे कि हमने डिस्प्लेस करके, जैसे मैंने बोला ना कि भाई इस केस में टू रियल इमेज बनेगी, कि अगर डी की वैल्यू जो होगी अगर 4f से ज्यादा है तो टू पोजीशन आर देयर फॉर टू पोजीशन ऑफ लेंस रियल इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म, तो वो दो पोजीशन ऑफ द लेंस है उसके बीच का वो सेपरेशन है कि अगर मैं इसको यहां से उठा के यहां ले जाऊं तो फिर से रियल इमेज बन जाएगी, रियल इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन, कि वो एक्स वो डिस्प्लेसमेंट है जिससे कि हम इसको मूव कर रहे हैं। सर, एक्स की वैल्यू के बाद एफ की वैल्यू कैसे आई? ये स्क्वायर कर दो इसे, भाई एक्स की वैल्यू जो थी वो थी आपकी अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4 डी एफ। ओके सर, गॉट इट सर।
यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इतना प्रोसीजर आपको नहीं भी पता हो फिर भी हम ये फॉर्मूला ध्यान रखते हैं थोड़ा सा, है ना, कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ निकालना। इसमें कुछ चीजें और भी हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, भी है ना, एक दो कंसेप्ट इसमें और भी है जिसको कि हम इसमें जानना चाहते हैं। पहला तो ये फॉर्मूला आ गया, तीन फॉर्मूले होते हैं, है ना, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, है ना। अब हम आ जाते हैं कि जो दो रियल इमेज बन रही है उसके मैग्निफिकेशन के ऊपर, है ना, कि भाई जो दो रियल इमेज बन रही है उसके मैग्निफिकेशन के ऊपर। तो एक्चुअली में क्या होगा, जब आप इसको इस तरह से लिखोगे, है ना, तो आपने बोला कि भाई यू वन यू टू की वैल्यू तो आपने निकाल ली, कि भाई इस केस में जो यू वन की वैल्यू है वो आपका डी माइनस एक्स बाई टू है, और यू टू की वैल्यू जो है वो डी प्लस एक्स बाई टू है। मैंने क्या किया ना, एक्स की वैल्यू जो थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स इतना ही तो था, तो यहाँ पे एक्स लिख लिया, इस टर्म्स की जगह पे मैंने एक्स लिख लिया, तो डी माइनस एक्स बाई टू आ गया, डी प्लस एक्स बाई टू आ गया। तो यहाँ से आपका आ गया कि जो यू वन की वैल्यू होगी वो डी माइनस एक्स बाई टू होगी, या यू टू डी प्लस एक्स बाई टू होगी, और जो वी वन होगा अभी आपने पढ़ा ये डी माइनस यू वन हो जाएगा। तो जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे ना यू वन को, तो एक्चुअली में ये डी प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा, मतलब ये आपका यू टू के इक्वल हो जाएगा। ऐसे जब आप वी टू निकालोगे कि सेकेंड पोजिशन में इमेज डिस्टेंस क्या है, डी माइनस यू टू, और इस यू टू को यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये चीज आपकी डी माइनस एक्स बाई टू आ जाएगी, ये आपका यू वन आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि पहले केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो सेकेंड केस में इमेज डिस्टेंस हो जाएगी, सेकेंड केस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फर्स्ट केस की इमेज डिस्टेंस हो जाएगी। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई वी वन जो होगा वो यू टू के इक्वल हो जाएगा, है ना, कि पहले केस की जो इमेज डिस्टेंस होगी वो सेकेंड केस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगी, है ना, और जो वी टू सेकेंड केस की जो इमेज डिस्टेंस होगी वो पहले केस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी बाय द यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये आपने यू वन एंड यू टू ले लिया, है ना। तो इससे लेकिन एक चीज आ गई, मैग्निफिकेशन आ जाएगा इससे आपका, कि अगर मैं ये निकालूं कि फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन एम वन कितना होगा, तो फर्स्ट केस में सपोज इमेज डिस्टेंस एच वन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एच नॉट है, तो मैग्निफिकेशन जो होती है वो लेंस के केस में वी वन बाई यू वन होती है, है ना। तो आप देखो वी वन की वैल्यू यहां से आप पुट कर लोगे ये चीज, है ना, ये आपका हो जाएगा डी प्लस एक्स बाई टू, और यू वन जो हो जाएगा वो आपका डी माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा। तो यहां से टू टू कैंसिल, तो ये आपका आ गया डी प्लस एक्स बाई डी माइनस एक्स, ये चीज आ गई। ऐसे हम मैग्निफिकेशन सेकंड केस में निकाल लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एस टू बाई एस नॉट, तो ये आपका हो जाएगा वी टू बाई यू टू। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वी टू जो है वो तो डी माइनस एक्स बाई टू है, और ये पूरे के डिवाइड है, ध्यान रखना खाली एक्स में नहीं है, और ये जो चीज है वो डी प्लस एक्स बाई टू है। तो ये जो चीज आ गई बेसिकली आपकी आ गई डी माइनस एक्स प्लस डी प्लस एक्स, हाँ। तो ये फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन आ गया कि जब लेंस की पहली पोजिशन होगी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये होगी, और जब दोनों दूसरी पोजिशन होगी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अब दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगा कि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो M1 into M2, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं ये आपका आ जाएगा H1 by H0 into S2 by H0 आ जाएगा, और अगर RHS साइड को मैं मल्टीप्लाई करूं इसे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि D plus X by D minus X और D minus X by D plus X दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो दो पोजीशन ऑफ लेंस होती है, अगर इस पोजीशन में यहाँ पे मैग्निफिकेशन M1 हो रहा है, इसमें अगर M2 हो रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 के इक्वल होता है, कि दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, और अगर प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा तो यहाँ से इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में रिलेशन आ जाएगा, कि हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो H1 into S2 होगा वो H0 स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम इमेज डिस्टेंस से निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट से निकाल सकते हैं, ये आपका आ जाएगा सेकेंड फॉर्मूला आपका ये आ गया कि भाई डिस्प्लेसमेंट मेथड में दो पोजीशन ऑफ द लेंस में अगर हाइट ऑफ द इमेज H1 S2 है तो उसको मल्टीप्लाई करके अगर अंडर रूट कर दें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में ये आपका ये रिलेशन आ गया। ये भी सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो कि आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना होता है, कि पहला तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला, और दूसरा जो फॉर्मूला हमने मेमोराइज किया है कि भाई इमेज हाइट का प्रोडक्ट का अंडर रूट जो होता है ऑब्जेक्ट की हाइट होती है डिस्प्लेसमेंट मेथड में, उसको मैंने ड्राइव भी कर दिया ऐसे। एक और फॉर्मूला होता है, जैसे आपने यहाँ पे M1 M2 को मल्टीप्लाई किया है, इसी को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं
कि सपोज मैं एम वन माइनस एम टू लिखता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा डी प्लस एक्स बाई डी माइनस एक्स, माइनस आपका हो जाएगा डी माइनस एक्स बाई डी प्लस एक्स, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, तो अल्टीमेटली यहाँ पे सिंप्लीफाई होके ये जो चीज होगी, है ना, कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका आ जाएगा डी एक्स बाई, है ना, फोर डी एक्स बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप करके देख लेना, करके करोगे इसे जब आप, तो फोर डी एक्स बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अभी आपने पढ़ा कि जो फोकल लेंथ इस केस में होता है वो यही तो होता है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर डी। तो मतलब एम वन माइनस एम टू को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देना तो एक्स बाई फोकल लेंथ आ जाएगा, है ना। तो भाई इस चीज को फोकल लेंथ के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला। तो ये तीन फॉर्मूले ध्यान रखना थोड़े से आप, बाकी प्रोसीजर तो आपको पता ही है, बस तीन फॉर्मूले कि भाई डिस्प्लेसमेंट मेथड में फोकल लेंथ इतना होता है, प्रोडक्ट वन के इक्वल होता है, अगर प्रोडक्ट वन के इक्वल होगा तो एस नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और एम वन और एम टू को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स बाई एफ के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना। और इसको एकदम आइसोलेट करके रखना, इसका बाकी किसी भी लेंस की थ्योरी से कोई रिलेशन नहीं। जब ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम इस फॉर्मूले से अटेम्प्ट कर लेंगे, बाकी तो जो लेंस मेकर फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था उसी के बेसिस पे करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर उस टाइम आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उलझ जाते हैं कि क्या करें इसमें। तो ये लिख ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया कॉम्बिनेशन, सिल्वरिंग एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना। यही लेंस में आपके लास्ट टॉपिक्स होते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये हमने डिस्कस कर लिया, राइट। तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल शेयर कर रहा हूँ, उसके थ्रू आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि जो भी तो अभी तो हमने थ्योरी पढ़ लिया है, अब इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं। तो बहुत सारे लेंस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उसमें एक्चुअली फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, बल्कि थोड़ा सा लॉजिकल आंसर हम उसमें देते हैं, थोड़ा सा लॉजिक्स वगैरह यूज करके भी अटेम्प्ट करना चाहिए उसे आपको। कई बार न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सिंपल फॉर्मूला पे आना सही नहीं है, मतलब बिना कैलकुलेशंस के भी आ जाते हैं वो, है ना। जैसे कि वन बाई वन मैं कुछ क्वेश्चन अगर दूँ, है ना, तो इस तरह से मैं शेयर कर सकता हूँ उसे। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन रहा है। अरे यार, ये तो सब सॉल्यूशन ही दिया हुआ है इसमें तो।
जिसने भी डायग्राम लाया उसने सोल्यूशन ही दे रखा है इसमें भी, ये हटा दो सारा, ये कुछ भी नहीं पता मुझे, अब सही है। मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा ये निकालना, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ निकालना है। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, कि अगर ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज उसी के ऊपर अगर बन रही है तो हाँ वो नहीं, मतलब आपको तो बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट की इमेज जो है, अगर ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन रही है तो जो मिरर होगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा ना, और फिर ये आंसर तो नहीं आ रहा, बता दो। मैंने बोला इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, एक फॉर्मूला यूज होगा बस, और तो कुछ नहीं होगा।
नहीं ये तो आंसर नहीं आ रहा। अच्छा हाँ सही है सही है, ठीक है आपका अर्पित आंसर जो बाद में आपने आंसर दिया था ना वो सही है। है ना अर्पित आपका आंसर सही है। नहीं इसमें बेटा डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज ही नहीं, मैंने बोला ना डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन में लिखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट मेथड है, उसके अलावा आपके उसके बारे में सोचना ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये तो सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। ये तो लॉजिक से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो मैं हो सकता है आप इसको समझ नहीं पाए होगे, ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो ताकि उसकी जो इमेज बनेगी ना वो ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए। हाँ कार्तिकेय त्यागी अब आपका आंसर सही। तो मतलब इमेज ऑब्जेक्ट पे बनने के लिए, ऑब्जेक्ट पे इमेज बनने के लिए रे को वापस आना जरूरी है, मतलब इस तरह से रे जाएगी इससे बैंड होगी और मिरर से 90 पे स्ट्राइक करना चाहिए उसको, 90 पे स्ट्राइक करेगी तो अपने पाथ को वापस रिट्रेस करेगी, ऑब्जेक्ट पे इमेज बन जाएगा। कि अगर ऑब्जेक्ट पे इमेज बन रहा है तो रे को रिट्रेस करना जरूरी है और रिट्रेस करने के लिए मिरर से 90 पे हिट करेगी, और 90 पे हिट करने का मतलब है कि इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो ये लाइन मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है वही तो नॉर्मल होती है, ये चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना आपने सोच लिया ना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो पहले तो मैं निकालूंगा अगर ऑब्जेक्ट 15 पे है तो लेंस से इमेज कहाँ बनेगी, मैं सीधे लेंस फॉर्मूला लिखूंगा 1/v = 1/v - 1/u, तो 1/ फोकल लेंथ मुझे निकालनी है 1/v, वी की जो वैल्यू हो जाएगी सॉरी फोकल लेंथ गिवन है आपको, फोकल लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पॉजिटिव होता है पॉजिटिव लेना है, वी निकालना है, यू की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 हो जाएगी, तो यहां से जो वी की वैल्यू आ जाएगी वो 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब अगर ये रे वापस नहीं आती तो जहां पे जाके मीट करती वो 30 सेंटीमीटर था, है ना, जो शुरू में इन्होंने डायग्राम में जो है ना वो चीज शो कर दी थी गलती से ना डायग्राम में वो चीज शो थी। इसको मैं अगर हटा दूं तो क्वेश्चन का सलूशन ही इसमें दिया हुआ था कि वी की वैल्यू जो होगी वो आपकी 30 सेंटीमीटर आ गया, है ना, ये 30 सेंटीमीटर आ गया और 30 सेंटीमीटर जो होगा ये वाला डिस्टेंस ये एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो होगा, ये पूरा 30 है बीच में गैप 10 है तो बीच वाला जो ये डिस्टेंस होगा ना ये आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर ये 20 होगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर होगा, कि ऐसा होने के लिए ये 90 पे अगर स्ट्राइक कर रही है तो तभी स्ट्राइक करेगी जब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो सी से पास हो और इमेज डिस्टेंस 30 आ गया, पूरा 30 है बीच का 10 है तो ये 20 आ गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 है तो एफ की वैल्यू आर बाई टू होती है, तो फोकल लेंथ आपका 20/2 हो जाएगा, मीन्स 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, है ना, तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल, है ना, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बनती है ना, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ऑटो कॉलिमेशन। ऑटो कॉलिमेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए, वो तभी बनेगा जब वो मिरर से 90 पे टर्न होकर वापस आए, अदरवाइज तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं होते, थोड़ा सा रे डायग्राम अच्छे से बनाना होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक और ऐसी क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट से रे स्टार्ट होगी, ये ऑब्जेक्ट है और ये D1 D2 है, कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल लॉजिक,
इसी एक फॉर्मूला यूज नहीं होगा इसमें। एंड दिस इज मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, ये मल्टीपल करेक्ट है। लास्ट लेंस का फोकस क्या है? -5। पहले का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरे का आपका 20 सेंटीमीटर है और तीसरे का -5 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव है ना, कॉनकेव का फोकल लेंथ तो निगेटिव होता है। अगर नहीं भी दिया होता निगेटिव, तो जब फॉर्मूले में पुट करते तो निगेटिव ले लेते। अब्दुल्ला मतलब एक पार्शियल आंसर तो आपका सही है, ये मैंने बोला मल्टीपल करेक्ट है। हाँ निहाल आपका सही आंसर है, यथार्थ कुमार सिंह योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। पीयूष झा सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही आंसर। कार्तिकेय त्यागी आपका पार्शियल सही आंसर है, लेकिन एक नंबर मिल जाएगा आपको। भव्या आपको भी एक नंबर मिलेगा, 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे, पार्शियल आंसर सही है आपका। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में ना ये तीनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, थ्री भी सही है, ऑल फर्स्ट थ्री आंसर्स आर करेक्ट। अगर आप तीनों ही सही करोगे तो विल गेट द 4 मार्क्स, है ना। दो एक सही करोगे तो एक नंबर मिल जाएगा, दो मिल जाएगा, तीन मिल जाएगा, है ना। तीन करोगे तो बेसिकली 4 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो ये सही है आपका आंसर। मैं बताता हूँ आपको कैसे, इसको थोड़ा समझना। मेन फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का जो कंसेप्ट है वो इसी में है। कल जो लेक्चर लिया था मैंने
बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस का कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता है, वो क्लियर होना चाहिए तभी आएगा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई कैलकुलेशंस में नहीं है, जस्ट फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस। ऐसे मैं कहीं और डायग्राम ला लेता हूँ, है ना, इस तरह से आपका कि भाई यहाँ पे तीन लेंसेज हैं, एक आपका ये हो गया, एक दूसरा लेंस भी आपने रख लिया ऐसे, है ना, और तीसरा जो है वो कॉनकेव नेचर का है, तीसरा जो है वो किस नेचर का है, बेसिकली आपका कॉनकेव नेचर का है। इसने दिया कि पहले के बीच का सेपरेशन डी वन है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी टू है ना, इसका फोकल लेंथ 10, इसका भी 10 और इसका -5, और ऑब्जेक्ट भी जो रखा हुआ है वो आपका 10 पे ही रखा हुआ है ना, कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है वो किस पे रखा हुआ है, बेसिकली आपके 10 पे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस यहाँ से 10 पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है आप देखो, 10 सेंटीमीटर जो है, अगर इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट इसके फर्स्ट फोकस पे रखा हुआ है ना सर, 20 था शायद, बीच वाले का, बीच वाले का, बीच वाले का 20 था, अच्छा 20 लिखो, बीच वाले का 20 है ना। तो ऑब्वियस बात है कि अगर 10 पे रखा हुआ मतलब इसके फर्स्ट फोकस पे रखा हुआ है, तो फर्स्ट फोकस से जो भी रे जाएगी वो तो पैरेलल हो जाएगी ना, ऐसे ये कंसेप्ट होता है कि फर्स्ट फोकस से जो भी रे जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो अगर ये रे पैरेलल हो गई फिर डी वन कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, यहीं से आपका आंसर एक चीज आ गई, डी वन कैन हैव एनी वैल्यू, अगर पैरेलल रेज आ गए तो फिर डी वन का मतलब ही खत्म हो गया ना, कैन हैव एनी वैल्यूज, इसलिए डी वन कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। अब आपको पता है कि अगर ये पैरेलल जा रही है तो इसके सेकंड फोकस पे कन्वर्ज होगी, अब सेकंड फोकस पे जब कन्वर्ज होगी तो इस तरह से कन्वर्ज हो जाएगी ऐसे कहीं। अगर ये मिरर नहीं होता यहाँ पे, ये डॉटेड डॉटेड लाइन आप बना लो यहाँ पे, ये लेंस अगर यहाँ पे नहीं होता तो इसके सेकंड फोकस पे कन्वर्ट होगी, इसके भाई इसका ये फर्स्ट फोकस है ना, और इस लेंस का ये पॉइंट क्या होता है, सेकेंड फोकस हो जाता है F2, है ना। तो इस तरह से ले जाती है, F2 पे चली जाती है और सेकंड फोकस मतलब 20 डिस्टेंस हो जाती है आपकी, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो जाती है ना। अब इसने बोला कि फाइनल रे फिर से पैरेलल होनी है, मतलब इससे जाके फिर से जो रे है ना अल्टीमेटली पैरेलल ही बाहर निकलेंगे, ऐसे हो जाना है। तो ऐसा तभी हो सकता है ना कि जब जिस पॉइंट पे ये आ रही है वो इस कॉनकेव का फर्स्ट फोकस हो जाए, इसका ये फर्स्ट फोकस हो जाए, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। लाइक अगर कोई भी रे किसी लेंस के फर्स्ट फोकस की तरफ अगर अपीयर्स टू कन्वर्ज होती है तो बाद में वो पैरेलल हो जाती है, तो मतलब इसका जो सेकंड फोकस है बीच वाले लेंस का वो इस कॉनकेव का फर्स्ट फोकस होना चाहिए, और इसका फोकल लेंथ -5 है, 5 का मतलब ये डिस्टेंस 5 हो जाएगी। तो इसी डायग्राम जैसे मैंने बनाया इसी केस में ऐसा पॉसिबल है। तो D1 तो कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, D2 की वैल्यू कितनी होगी आप देख लो, अगर ये 5 होगा तो ये जो चीज हो जाएगी D2 वो 15 हो जाएगी, तो D2 15 हो जाएगा, तो D1 कुछ भी हो सकता है, D2 15 होना चाहिए। तो ये आपका डायग्राम बन गया ऐसे, तो कोई फॉर्मूला नहीं यूज हुआ, बस फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस का इंटरप्ले है कि इसका ये फर्स्ट फोकस होगा तभी तो पैरेलल हुई है, पैरेलल रेज इसके सेकंड फोकस पे कन्वर्ज होगी। अब अगर फाइनली पैरेलल हो रही है तो जो स्पीच वाले का सेकंड फोकस है इसका फर्स्ट फोकस होना चाहिए, तभी पैरेलल निकल जाएगी, तो डी टू की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो उस तरह से इसको अटेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके साथ। ये आपका गैस है, हमने डिस्कस कर लिया, तो इसलिए मैंने आंसर वो दे दिया था आपका, है ना, कि जो आंसर मैंने दिया था उसका वो ये दे दिया था कि भाई इसमें D1 कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है ना, कि जो D1 है वो कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, इस केस में D1 10 हो, 30 हो, 20 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ D2 हर केस में 15,
तो डी टू पक्का 15 होना चाहिए, तो एबीसी इज करेक्ट, एबीसी सही है। फाइनल रे पैरेलल हो जानी चाहिए, तो डी वन डी टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए उसके बारे में। तो आपका आंसर आ गया, तो एबीसी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये वही कोटा सिस्टम का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, है ना, ये सारे कोटा सिस्टम के क्वेश्चंस है ना। कोटा में क्या होता है, हर इंस्टीट्यूट जो है ना एक सेट ऑफ क्वेश्चंस करवाता है, है ना, तो वो सारे क्वेश्चन यही होते हैं, है ना, वो कहीं भी आप कर लो फर्क नहीं पड़ता उससे, कि वो एक बार बना हुआ है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। अच्छा, बीच में बड़ा डायग्राम, बड़ा लाइट बना होता है यार इसमें। हाँ सही है, लेफ्ट वाला म्यू वन है, राइट वाला म्यू टू है, और बीच वाले का म्यू थ्री है, ऐसा है। मैं फिर से डायग्राम एक बार बना देता हूँ। थोड़ा बड़ा करके, तो पहला लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स, दूसरा लेंस है प्लेनो कॉनकेव, ये सर, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इसका म्यू टू है, इसका म्यू थ्री है, ये सर कॉम्बिनेशन। इसके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा,
बेटा दोनों के आर सेम है, ध्यान रखना आप, दोनों का रेडियस ऑफ क्वरेचर आ रही है, पहले का भी आ रहा है इसका भी आ रहा है ना, मतलब तीन लेंस यहाँ पे उसको कंबाइन करना है आपने इनडायरेक्टली, इसका मतलब ये हो गया। से आ जाना चाहिए इसका आंसर, तो इसमें तो इतना टाइम लगने वाली बात ही नहीं कोई। सर हो गया सर। हाँ हो गया सर सॉल्व। अच्छा हो गया सॉल्व, तो ऑप्शन तो बताओ क्या सही है सर। सी आर बाय म्यू वन माइनस। हाँ तो उसका आंसर सेंड करो ना, सी लिख के भेज दो आप। हाँ सही बात है, आप सही किया आपने। हाँ अर्पित सही है आपका आंसर, ठीक है ना, सी सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। आप इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करो कि सबसे पहले हम पहले का निकालते हैं, तो ये तो प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो आप लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर लो, इसमें कंजूसी नहीं करते हैं, तो वन बाई एफ वन आता है, वन बाई एफ वन की वैल्यू हो जाएगी म्यूएल बाई म्यू, तो म्यूएल की जगह पे तो म्यू वन आ गया, म्यू की जगह वन ले लेंगे, ये सबके बाहर में तो एयर ही है ना, सबको बाहर में एयर के रिस्पेक्ट में लेके कंबाइन करते हैं, इसमें बाहर ये मत सोचना कि म्यू वन के बाहर म्यू टू म्यू थ्री है, म्यू थ्री के बाहर तो म्यू टू म्यू टू, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों को अलग अलग एयर में ले लिया और बाद में कंबाइन कर दिया, तो म्यू वन बाई वन माइनस वन आ गया, इस क्वाल टू पहले सर्फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फाइनाइट हो जाएगा, अगर मैं इसकी फोकल लेंथ एफ वन ले रहा हूँ, तो सेकेंड का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा निगेटिव होगा माइनस आर, है ना, तो पहले का जो फोकल लेंथ होगा वन बाई एफ वन ही लिख लेते हैं, क्योंकि बाद में कंबाइन तो वन बाई एफ वन ही करोगे आप इसे, ये आपका हो जाएगा म्यू वन माइनस वन बाई आर, ये वन बाई एफ वन आ गया, ऐसे ही वन बाई एफ टू निकालते हैं, तो वन बाई एफ टू तो एक्चुअली में जीरो आ जाएगा, इसका
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू थ्री है, तो म्यू थ्री बाई वन माइनस वन इंटू पहले का रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आ रहा है और दूसरे का भी माइनस आ रहा है, तो इनफैक्ट ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो वन बाई एफ टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब ये जो मिरर होगा बीच वाला एफ टू, इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा, ये दोनों सर्फेस का आर सेम है ना, आर सेम होगा तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, तो वन बाई एफ टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ऐसे वन बाई एफ थ्री निकाल लेते हैं, वन बाई एफ थ्री में आपका हो जाएगा म्यू टू माइनस वन, ये तो सेम ही रहेगा, पहले सर्फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आर है माइनस आर, और दूसरे का आपका इन्फाइनाइट है, तो वन बाई एफ थ्री की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस ऑफ म्यू टू माइनस वन बाई आर हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो पहला है वो तो कन्वर्जिंग टाइप है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा डाइवर्जिंग टाइप है तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, तो तीनों फोकल लेंथ आ गए तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगा आपका। वन बाई एफ की वैल्यू हो जाएगी वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू प्लस वन बाई एफ थ्री, ऐड कर दो तीनों को, तो बीच वाला टर्म तो आएगा नहीं म्यू थ्री वाला, तो ऐसे कोई भी आंसर जिसमें कि म्यू थ्री हो तो गलत हो गया ना, म्यू थ्री वाला तो आ ही नहीं रहा है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा, इसको ऐड करोगे आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की वैल्यू ही आ जाएगी, तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये सबको हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में लेके कंबाइन करते हैं, है ना, कि सबको एयर के रिस्पेक्ट में लेके हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। और साइन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जहां माइनस है माइनस, जहां प्लस है प्लस। तो इससे सी ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
हाँ अरे पता नहीं आप लोग के आंसर ये कैसे आ रहे हैं यार, सबके सबके धड़ाधड़ ए आया जा रहा है, लेकिन ए सही नहीं है मेरे पास आंसर, ए सही गलत दिया हुआ है, सबके धड़ाधड़ ए आंसर आ रहे हैं लेकिन ये आंसर मेरे पास आंसर से मैच नहीं कर रहा है। एक वर्ड ध्यान रखना, फाइनल, फाइनल का मतलब है कि दोबारा फिर से लेंस से पास होगा रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फिर से लेंस से पास होगा, ये ध्यान रखना। ये तो आप मिरर वाली इमेज बना रहे हो बता रहे हो मुझे लग रहा है सर। हाँ अब सही है अर्पित, अब आपका आंसर सही है। ये आपको फाइनल इमेज नहीं बताया आपने, ये तो भी आपने मिरर के पीछे बता दिया इतना होगा, लेकिन वो फिर से लेंस से भी तो पास होगा। हाँ यथार्थ कुमार सिंह, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। इसको सब क्वेश्चंस का एक पर्पज होता है ना, इसका पर्पज भी यही है कि आपको समझाना है कि दोबारा फिर से वो लेंस से पास हो सकता है। सारी रेस पैराक्सियल है ना, पैराक्सियल रेस है तो ऐसा नहीं कि उसको स्केप करके निकल जाएंगी, वो तो पास होंगी होंगी। ठीक है चलो, है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, सही आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर एक्चुअली में ना डी फॉर दिल्ली ऑप्शन इज करेक्ट, ये सही नहीं है। तो इसमें आपने ये तो देख ही लिया है सबसे पहले कि भाई कोई भी रेज अगर ऐसे आ रही है, थोड़ा मैं प्रिंसिपल एक्सेस के पास ही बनाता हूँ, तो ये डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे, है पूरा रे डायग्राम में बता देता हूँ उसका कैसा होगा, है ना, थोड़ा और पास बनाओ ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि दोबारा फिर से मिरर लेंस से पास करना है ना मुझे, ये डाइवर्ज होगी ऐसे फिर रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी फिर से डाइवर्ज हो जाएगी ऐसा। तो फाइनल इमेज का मतलब जस्ट ये हो गया कि एक रे आई, रे को इसने डाइवर्ज किया, मिरर ने रिफ्लेक्ट किया, फिर से ये डाइवर्ज होगा। तो फाइनल इमेज का मतलब यहां पे कहीं पे इमेज बनेगी, इसको पीछे ले जाओगे तो ये फाइनल इमेज बनेगा, जो कि कोई ऑब्जर्वर यही तो देख रहा होगा कि ऑब्जर्वर के जो रेज जाएंगी वो यही तो जाएंगी जिसको देख रहा होगा, तो दिस इज द फाइनल इमेज। तो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं कि भाई पैरेलल रेज कहाँ से पास करती है, सेकंड फोकस से, तो उसका फोकल लेंथ तो सेकंड है और उसका सेकंड फोकस पीछे होता है, मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो 10 पे बन जाती है, ये हो गया 10, ये भी 10 है, तो अगर 10 सामने ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज पीछे 10 बन जाएगी, पीछे 20 बन जाएगी, 20 सामने अगर ऑब्जेक्ट है तो 20 पीछे इमेज बन गई, फाइनल इमेज नहीं हुई ना। अब ये जो इमेज होगी एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा फॉर लेंस अगेन, तो हम लेंस फॉर्मूला फिर से यूज करना पड़ेगा मुझे, तो फोकल लेंथ इसका तो नेगेटिव होता ही है तो -10 हो जाएगा, 1/v तो मुझे निकालना ही है लेंस से कितना होगा, u की वैल्यू -30 हो जाएगी ना, क्योंकि अब लेंस से ये डिस्टेंस 10 + 20 - 30 हो जाएगा, तो इससे v की जो वैल्यू निकालेंगे तो 7.5 cm- आ जाएगा।
तो 27.5 सेंटीमीटर का मतलब ये डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, है ना, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब मिरर के कितना सामने बन जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर बन जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। दिस वे वी कैन प्लॉट द रेड एंगल। हर केस में वापस से प्रिज्म हो, कुछ भी हो, प्रिज्म में भी तो ऐसे होता था ना, वह एक बार जाती थी, वो तो एक क्वेश्चन में मेंशन किया गया था कि नहीं पास करना है, अदरवाइज तो प्रिज्म से भी दोबारा फिर से पास होगी ना, अगर ऐसे जा रही रिफ्लेक्ट होकर फिर से पास हो, अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन ही किया है नहीं पास करना है फिर बात अलग, अदरवाइज तो पास होगी होगी, ठीक है ना, तो हम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, तो है ना, तो ये जस्ट हमने आज सॉल्व कर लिया, दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिज्म का डिस्पर्सन एंड क्रोमेटिक एब्रेशन ऑफ द लेंस, है ना, कि नेक्स्ट क्लास में आपका जो नेक्स्ट वीक होगी प्रिज्म का डिस्पर्सन पार्ट पढ़ लेंगे और उससे रिलेटेड पार्ट होता है क्रोमेटिक एब्रेशन ऑफ लेंस, है ना, तो नेक्स्ट वीक आपका ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स विल बी कंप्लीट। सो बताओ, सो मैग्नेटिज्म एंड एवरीथिंग वुड बी कंप्लीटेड इन दिस ट्रैक और द अदर ट्रैक, क्या चीज बोलो बेटा, तो मैग्नेटिज्म एंड ऑल दोस आर चैप्टर्स, वो इस ट्रैक में कंप्लीट होंगे या दूसरे ट्रैक में? नहीं, वो दूसरे ट्रैक में होंगे बेटा। ओके सर, वो सेकंड ट्रैक में कंप्लीट। सर हम इसके बाद क्या करेंगे, वेव ऑप्टिक्स? इसके बाद वेव ऑप्टिक्स पे आ जाएंगे हम। आप वेव ऑप्टिक्स में आने के लिए आपको थोड़ा सा 11th की मैकेनिकल वेव पढ़नी होगी, और वो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि TWT भी है आपका, 11th की थोड़ी सी मैकेनिकल वेव पढ़ लेना। ओके सर, इस ट्रैक में वे ऑप्टिक्स होगी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बाद, है ना, और TWT मैकेनिकल वेव का इसलिए रखा गया है ताकि आप मैकेनिकल वेव थोड़ा सा रिवाइज कर लो, जिससे कि वे ऑप्टिक्स में आपको हेल्प मिले। मैंने बोला ना, अब तो एकदम हम मुंबई की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वो बहुत बढ़िया प्लानिंग उन्होंने की हुई है, तो उसकी प्लानिंग को आप फॉलो करते रहो, है ना, एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं उसके बाद देखते हैं कि रिविजन के टाइम में व्हाट चैप्टर्स आर रिक्वायर्ड, पहले तो एक बार सिलेबस कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है। So that's all for today. Bye-bye. हाँ नहीं, 15 नहीं बेटा, 17.5 आ रहा है शायद, इससे देख लो कितना आ रहा है, 7.5 ही आ रहा है, 15/2 आएगा, चेक कर लेना, आंसर तो मैंने बताई दिया ही है, इसके अकॉर्डिंग आंसर ही हो रहा होगा। हाँ सही बात है।